अधर्म हो गया, खुलेआम इतना चारों तरफ इतना ज्यादा अधर्म हो गया कि अब भगवान ने तय किया कि मुझे अवतार लेना पड़ेगा, समय आ गया जब मुझे उत्पन्न होना पड़ेगा और पिछले मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और पिछले कुछ दिनों की घटनाएं ये दिखाती हैं कि भगवान ने सीधे तौर पे हस्तक्षेप करने की और उत्पन्न होने का निर्णय ले लिया है। तीस जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ। सुबह वोटिंग पड़ी, वोटिंग पड़ने के बाद एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, इन्हीं का आदमी था। अनिल मसीह तो मोहरा है, पीछे तो वो है, उन्हीं का आदमी था। उस दिन इन लोगों ने तय किया कि आज उस हॉल के अंदर द्रौपदी का चीरहरण करेंगे। उन लोगों ने, इन कौरवों ने तय किया कि आज हम जनतंत्र का, भारतीय जनतंत्र का चीरहरण करेंगे। पूरी प्लानिंग करके आए थे। उसने तय किया कि मैं असली वोटों के ऊपर उनको ठप्पे मार मार के, डिफेस कर करके उनको इनवैलिड घोषित कर दूंगा और हारे हुए को जिता दूंगा। अब वहां पे श्री कृष्ण जी पहुंच गए द्रौपदी का चीरहरण रोकने के लिए। उस कमरे में दिखाई नहीं दिए किसी को, दृश्य थे लेकिन थे वहां पे। आप लोगों ने अगर वीडियो में देखा हो, वीडियो में वहां जितने बीजेपी वाले मौजूद थे सारे कह रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे देखे आपने वीडियो, सारे चिल्ला रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे ऑफ करो। कैमरे ऑफ क्यों नहीं हुए? श्री कृष्ण जी वहां मौजूद थे, उन्होंने कैमरे ऑफ किए। इन्होंने पूरी कोशिश करी कैमरे ऑफ करने की, उस दिन कैमरे ऑफ नहीं हुए। ये कोई संयोग नहीं है, ये ऊपर वाले का इशारा है, ऊपर वाले का। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो पूरे दुनिया के अंदर हम तो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को 5 मिनट के अंदर भगवान ने पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया। जो लोग द्रौपदी का चीरहरण करने आए थे, जो लोग भारतीय जनतंत्र का चीरहरण करने आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरे देश के सामने उनका चीरहरण करके छोड़ा। और अध्यक्ष महोदय, उसके बाद की जो घटनाक्रम है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चला, हम लोग अदालतों को मंदिर की तरह मानते हैं। न्याय देना भगवान का काम है, न्याय भगवान देता है। इसलिए जज को भगवान का, जब जज अपनी कुर्सी पे बैठ के फैसले सुनाता है तो कहा जाता है कि एक तरह से भगवान फैसला सुना रहा है। लेकिन कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटा वो उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भगवान मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर भगवान बोल रहे थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जुबान के ऊपर भगवान बैठे हुए थे, भगवान उनके जरिए बोल रहे थे। तो ये जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ वो ये दिखाता है कि अब हम, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस सदन के माध्यम से। हम इस सदन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उस पूरी बेंच का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इतने कठिन समय के अंदर हमारे देश को, जनतंत्र को बचाने का काम किया। आज पूरे देश के सामने भगवान ने बेनकाब करके एक साफ साफ मैसेज दे दिया भगवान ने, बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। पूरे देश के सामने, सबने वीडियो देखा है, सबने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुना है, सबने पूरे पिछले एक महीने के घटनाक्रम ने पूरे देश के सामने इस पार्टी का चीरहरण करके छोड़ दिया कि बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। ये कोई संयोग नहीं है कि एक छोटा सा चुनाव, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। हमने तो ऐसे सोचा था उस दिन कि ऐसे ही हो जाएगा, हमें तो
एक छोटे से चुनाव ने पूरे देश के अंदर सारे देश को हिला दिया। कुछ ना कुछ तो भगवान दिखा बताने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान का संदेश है, मैं आ गया हूं। बीजेपी पाप कर रही है, बीजेपी अधर्म कर रही है, अब ये नहीं चलेगा। जिन लोगों को लगता था बीजेपी हार नहीं सकती, भगवान ने दिखा दिया कि अगर चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी देश का चुनाव भी हार सकती है। भगवान ने पूरे देश को एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करी है कि हिम्मत मत हारो, खड़े हो, तुम लोग एक बहुत बड़े देश के निवासी हो, भारत के लोग एक बहुत बड़ी संस्कृति, हमारा कल्चर 3000-4000 साल पुराना है, डर के मत बैठो, खड़े हो, आप अपना कर्म करो, तुम लोग अपना कर्म करो। कई लोगों को इस देश के अंदर लगता है कि अब तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, वोट डाल के क्या फायदा है। भगवान कह रहा है बिल्कुल नहीं, वोट डालने जाओ, ईवीएम को मैं संभाल लूंगा। सारे जने वोट डालने जाओ, कोई बिना वोट के मत रहना, वोट डालने जाओ, आवाज उठाओ, प्रदर्शन करो, इनके खिलाफ खड़े हो, भगवान तुम्हारे साथ है।